नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों का। साउथ अफ्रीका से लाए हुए चीते उदय की हुई मौत। कूनो नेशनल पार्क में मादा चीते सादा के बाद दूसरी मौत, बीमारी से हुई चीता उदय की मौत। संभल में युवक की गोली मारकर हत्या से इलाके में हड़कंप। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। गोली मारने वाले बाइक सवार मौके से हुए फरार। लखनऊ में पुरानी बस्ती धर्मशाला इलाके में मिला शव। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। मृतक युवक की नहीं हो पाई कोई शिनाख्त। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों का वीडियो आया सामने। बरेली जेल में अशरफ से मिलने पहुंचे थे शूटर। बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का अनुमान। लखनऊ में सब्जी विक्रेता के हथियारे चढ़े पुलिस के हत्थे। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार। सब्जी के लेन देन को लेकर हुए विवाद। गंज डुडवारा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 20,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एक बदमाश गिरफ्तार, 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। खेड़ी पुल के पास मंडी में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आश्रय स्थल में पाए गए कुपोषित गौवंश। लखनऊ समेत 7 जिलों के आश्रय स्थल में कुपोषित मिले गौवंश। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जताई नाराजगी। जिला पंचायत की बड़ी कार्रवाई। 16 अवैध प्लॉटिंग कॉलोनियों को भेजा नोटिस। 850 बीघे में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को नोटिस। चुनाव ड्यूटी को लेकर राहत भरी खबर। पति पत्नी में से एक को मिल सकती है चुनाव ड्यूटी से छूट। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को जारी किया पत्र। बाराबंकी में अज्ञात कारणों से लगी आग। आग लगने से 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या करने का मामला आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में बुलेट बाइक में लगी आग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ कानपुर समेत 15 शहरों में अलर्ट। आगरा बरेली मेरठ रहे सबसे ठंडे। 60 डिग्री तक का तापमान गिरा। बीजेपी ने जारी की 7 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट। कानपुर से प्रमिला पांडे, अयोध्या से गिरीश पति और गाजियाबाद से सुनीता दयाल को मिला टिकट। परिवारवाद विरोधी नीति पर भारी पड़े राज्य मंत्री। बीजेपी ने दिनेश खटीक की 2 बहनों को दिया टिकट। वर्षा सहारनपुर और सुधा मेरठ में चेयरमैन प्रत्याशी। शाहजहांपुर मेयर सीट पर 3 मंत्रियों ने झोंकी ताकत। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अर्चना वर्मा। इटावा सदर सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा। पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक दुबे की पत्नी कुसुम दुबे लड़ेंगे चुनाव। समर्थकों ने किया स्वागत। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बोले, क्राइम फ्री यूपी कर रही योगी सरकार। प्रयागराज में मनीष शुक्ला ने कहा, सभी 17 नगर निगमों में खिलेगा कमल।
उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस मौत की वजह बता रही, एक्सीडेंट परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कानपुर के हैलेट अस्पताल में लगी आग, जच्चा बच्चा वार्ड के मीटिंग हॉल में उठी लपटे, दमकल की चार गाड़ियों ने पाया काबू। झांसी में युवक की गला काटकर हत्या, प्रेमिका को भागने में जेल गया, फिर उसी से लव मैरिज की, लड़के के परिवार वाले फरार। मेरठ में साइड मांगने पर युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक के परिजनों को घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, आरोपी फरार। प्रेमिका से मिलने आए सेल्स मैनेजर की हत्या, सुल्तानपुर में रात 3 बजे पहुंचा पति पत्नी ने पहले पीटा फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। पांच साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, पड़ोसी के घर में मिला शव, शाम को अचानक खेलते खेलते हो गई थी गायब। जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध, हमले में कई घायल, मुजफ्फरनगर के गांव आदमपुर में संघर्ष, दो आरोपी हिरासत में। तेज आंधी के कारण जड़ से उखड़ा बरगद का पेड़, चायल में टूटे बिजली के पोल, आम और महुए की फसल हुई प्रभावित। नवाबगंज में तेज रफ्तार दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत, युवक की मौत, देर शाम खेत से लौट रहे थे घर। टिकट की घोषणा के बाद पार्टी में बगावत, लक्ष्मी सोनी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री की पत्नी है लक्ष्मी। लखनऊ एसटीएफ ने बिहार के दो तस्करों को किया गिरफ्तार, 40 करोड़ की चरस बरामद, तस्करों के बदले मिलती 50-50 रुपए। मेरठ में साइड लगने को लेकर मारपीट, ई रिक्शा सवार दबंगों ने ऑटो सवार महिलाओं और बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। धनौरा में अज्ञात कारणों से एक मकान में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फतेहपुर एसपी ने फायर स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, अलर्ट घंटी बजाकर कर्मियों की गणना की, आग लगने की सूचना पर पानी की देखी व्यवस्था। फिरोजाबाद में करंट लगने से महिला की मौत, नहाने के लिए कर रही थी गर्म पानी, परिजनों में मचा कोहराम। मोदीनगर में दबंगों ने बच्ची से किया अश्लील हरकतें, विरोध करने पर परिजनों को मारपीट कर किया घायल, किराए पर गद्दा लेने आए थे। भदोई के डेंगूर पुल में टूटा पीपे का पुल, गंगा में बने पुल के टूटने से यातायात हुआ बंद, तेज आंधी की वजह से बह गए पुल के कई पीपे। देवरिया में टीएसआई से उलझने वाले दो युवकों पर मुकदमा, ईद के दिन गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ में बस चालक की टक्कर से टाटा मैजिक पलटी, महिला की मौत, बच्चे सहित 24 लोग घायल, ईद मनाने के बाद घर लौट रहा था परिवार। संभल में बाइक सवार की सरे रहा गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां, एसपी बोले जल्द करेंगे घटना का वर्कआउट। अनूप शहर में जंगली जानवर ने किया युवक पर हमला, गंभीर रूप से घायल, वन विभाग की टीम चला रही तलाशी अभियान। श्रावस्ती में 35 वारंटी गिरफ्तार, ऑपरेशन धरपकड़ के तहत हुई कार्रवाई, जिले भर में चला अभियान।
छात्र की हत्या करने वाला 25,000 का इनामी गिरफ्तार। बड़ौत में छोटे भाई ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर मरवाया था। मऊ में ट्रेन की टक्कर से अधेड़ महिला घायल, लोगों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, ट्रामा सेंटर रेफर। एक करोड़ 70 लाख का गांजा हुआ बरामद, मथुरा के तस्कर उड़ीसा से लाए थे गांजा, दो आरोपी किए गिरफ्तार। शोधार्थी पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, कॉमन रूम की तरफ भागकर बचाई जान। बदनामी के डर से 10वीं के छात्रा ने फंदे पर लटक कर दी जान, पड़ोसी दंपत्ति पर केस। कानपुर चिड़ियाघर में घायल मादा तेंदुआ का इलाज जारी, बिजनौर में शिकारियों के जाल में फंसने से पंजे पर आई गंभीर चोट, बचाने की जद्दोजहद में जू प्रशासन। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला, सपा मेयर प्रत्याशी के बीजेपी में जाने पर भड़के अखिलेश। जौनपुर में सपा एमएलए लकी यादव के आवास पर नोकझोंक, पुलिस और लकी के समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की, पुलिस से विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन, दूसरे चरण में 38 जिलों में हो रहे चुनाव, कल 7,649 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बिजनौर में महिला और बच्चे की मौत पर हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। हरदोई के माधवगंज इलाके में कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मंत्री दिनेश खटीक की दो बहनों को टिकट, बीजेपी ने वर्षा मोंघा को सहारनपुर और सुधा को मेरठ के हसनापुर सीट से चेयरमैन प्रत्याशी बनाया। एक महीने में 4 बार मनेगा सुरक्षा, मातृत्व दिवस, गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं में होगा विस्तार, स्वास्थ्य विभाग की पहल से लोगों में उत्साह। बिजनौर में टेंट कारोबारी की हत्या, नहर के किनारे पड़ा मिला शव, दोनों हाथ रस्सी से बंधे थे, शरीर से निकल रहा था खून। कानपुर के कांग्रेसियों का लखनऊ में बवाल, टिकट के लिए प्रांतीय अध्यक्ष की गाड़ी के आगे लेटे, देर रात तक चला हंगामा, 90 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। कुशीनगर के हाटा में बीजेपी के महिला मोर्चा ने निकाली रैली, घर घर जाकर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। शाहजहांपुर पहुंचे वित्त मंत्री ने मजाकी अंदाज में बोला, हर मकान पर झंडा हमारा। आगरा में प्रदूषण और गंदगी का अंबार, कूड़े के ढेर में शरारती तत्वों ने लगाई आग, लोग बोले गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। वाराणसी में तेज हवा ने गिराया पारा, देर रात ठंड, पछुआ हवा ने मौसम किया सुहाना, तापमान आया 22 डिग्री। फतेहपुर में टैंकर से डीजल चोरी करा रहा था चालक, पुलिस के पहुंचने पर खरीदार और चालक फरार, 3 ड्रमों में भरा 450 लीटर डीजल बरामद। गाजीपुर में तेज हवाओं के साथ दिखा बारिश का कहर, झोपड़ी गिरने से युवा की मौत, बारिश से बचने के लिए झोपड़ी में घुसा था युवा।
लालगंज में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराए बोलेरो दंपत्ति समेत चार घायल रायबरेली से अधेड़ को इलाज के लिए लेकर आ रहे थे प्रतापगढ़। फरुखाबाद के सीएमओ ने की लोगों से अपील, कहा गर्मी और लू से बचकर रहे बाहर के गरिष्ठ भोजन से करें परहेज। कन्नौज में भाजपा के दावेदारों के दिखने लगे बगावती तेवर, निवर्तमान चेयरमैन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, सत्ता की हलक में जेल भिजवाने की जताई आशंका। मैनपुर में पड़ोसी बना हैवान, घर खेलने गए मासूम के साथ किया दुष्कर्म, लहूलुहान हालत में पहुंचे घर, पीड़ित अस्पताल में भर्ती। मथुरा में मुठभेड़ में गौ तस्कर को लगी गोली, पुलिस की गोली, पुलिस घेराबंदी देखकर चला दी थी गोली। चौबीस घंटे में 81 नए कोरोना के मरीज, 747 सक्रिय केस, 29 अस्पताल में भर्ती, 65 मरीज हुए ठीक। बलिया में रामकथा का आयोजन, कथावाचक राजन जी महाराज ने कहा कुसंगति से छुटकारा होना ही सत्संग। जेल से फेसबुक चलाता था माफिया, थी क़यामत के नाम से चल रही 10 से ज्यादा फेसबुक आईडी होगी जांच। धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में 5 गिरफ्तार, एसडीएम की शिकायत पर कासिमाबाद पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा, धर्म विशेष किताबें मिली। गोंडा में सोनबरसा पोखरे पर श्रीमद् भागवत कथा, 7 दिन तक होगा आयोजन, महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, अंत में होगा भंडारा। मुरादाबाद में फल विक्रेता की हत्या, ईट और सरिये से वार करके कुचला चेहरा, झाड़ियों में पड़ी मिली बॉडी। नोएडा के लिए 6,920 करोड़ का बजट पास, जमीन अधिग्रहण के लिए 1500 करोड़, ग्राम विकास पर 141 करोड़ होंगे खर्च। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।